दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों गाना सुनने का हर एक कोई व्यक्ति शौकीन होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति गाना सुनता है। पर हम लोगों के मोबाइल में जो म्यूजिक प्लेयर गाना सुनने के लिए मिलते हैं उसमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे मैं खुद से उस म्यूजिक प्लेयर में किसी भी गाने को डीजे सॉन्ग नहीं बना सकता हूँ, उस म्यूजिक प्लेयर में खुद से साउंड ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं और न ही किसी भी गाने में बेस बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा म्यूजिक प्लेयर लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप गाना सुनेंगे तो उसमें आप लोगों को कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आप लोग खुद से उस म्यूजिक प्लेयर में किसी भी गाने को डीजे सॉन्ग बना सकते हैं, किसी भी गाने में खुद से बेस बढ़ा सकते हैं और साउंड को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह म्यूजिक प्लेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को भी ऐसे म्यूजिक प्लेयर की ज़रूरत है तो बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। उसके बगल में एक बेल का आइकन मिलता है तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास पहुँच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन मिलता है तो इस पर क्लिक करके आप लोगों को मेरे इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देना है ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने दोस्त लोगों को भी सिखा सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है म्यूजिक प्लेयर। तो इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने होंगे। तो मैं तो पहले से इंस्टॉल करके रखे हुआ हूँ और आप लोग फटाफट अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए इसको ओपन करके सीख लेते हैं। जैसे ही इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों को एड को कट कर देना है। दोस्तों हम लोगों को किसी भी गाना में खुद से इफेक्ट डालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोगों को इक्वलाइजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। आप लोग यहाँ से किसी भी गाने में खुद से अपने हिसाब से साउंड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से साउंड मैनेज कर लीजिएगा। जब आप गाना सुनते रहेंगे और इस इफेक्ट को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके हेडफोन में साउंड क्वालिटी खुद से बदलने लगेंगे, तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ कस्टम पर है अभी हम लोग, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कई सारे ऑप्शन खुल कर आएंगे। यहाँ पर हम लोगों को कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं तो हम किसी भी इफेक्ट में गाने को सुन सकते हैं, सबका साउंड क्वालिटी अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये इफेक्ट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस म्यूजिक प्लेयर में देखने को मिल जाते हैं। जो हम लोगों के मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर रहते हैं उसमें आप लोगों को इतने सारे इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद चलिए बैक आते हैं। इसके बाद नीचे हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है, एक है बास का और दूसरा है वर्टिकलाइजर का। तो यहाँ से हम खुद से अपने म्यूजिक प्लेयर में बास बढ़ा सकते हैं और खुद से घटा सकते हैं। आप जितना बास अपने म्यूजिक प्लेयर में बढ़ाना चाहते हैं उतने बास को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप साउंड को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके म्यूजिक प्लेयर में साउंड कम हो तो आप इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप खुद से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ पर एम्पलीफायर का भी ऑप्शन दिया हुआ है तो इसको भी आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं। इससे आप लोगों को साउंड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नीचे हम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाता है साउंड बैलेंस करने का। अगर आप लोग हेडफोन में गाना सुनते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दो ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट का और राइट का। आप चाहेंगे तो लेफ्ट साइड वाले हेडफोन में आवाज़ को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। आप जिस साइड साउंड को बढ़ाना चाहते हैं उस साइड बढ़ा सकते हैं। राइट में बढ़ाना चाहते हैं तो राइट में बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट में बढ़ाना चाहते हैं तो लेफ्ट में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हेडफोन में एक साइड ज़्यादा साउंड करके रखते हैं और एक साइड कम साउंड करके रखते हैं, तो इस ऑप्शन की मदद से वो कोई एक साइड साउंड बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं।
तो यही सारा इफेक्ट हम लोगों को इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप टाइमिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लीप टाइमर का ऑप्शन दिए हुआ है। अगर आप सोना चाहते हैं गाना सुनते हुए और सो जाने के बाद आपका म्यूजिक प्लेयर बंद नहीं होता है तो यहाँ पर टाइम दिए हुआ है, आप जितने समय का टाइम लगाना चाहते हैं उतने समय का लगा सकते हैं, उतने समय के बाद आपका म्यूजिक प्लेयर बजना बंद हो जाएगा। तो ये सेटिंग भी हम लोगों को इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बैक आते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को और भी कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे ड्राइव मोड दिए हुआ है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ड्राइव मोड में भी लगाकर गाने को सुन सकते हैं। तो यही सारा सेटिंग था इस एप्लीकेशन में। दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही हम लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने लिस्ट को बैकअप कर सकते हैं, इसके बाद लिस्ट को रिकवरी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इफेक्ट हम लोगों को इस म्यूजिक प्लेयर में देखने को मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।